देखिए फाइनली जी बैग रेडी होना स्टार्ट, रेडी तो था पहले, बस अभी तो एक दफ़ा ले थी और उसके बाद ना करके ये जी बॉडी वार्मर और ये मेरा लंबे वाला कोट। वैसे तो वहाँ कहते हैं कोट वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन भाई मैं अपना रख के जाऊँगी। मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना आपके सारा सामान साथ ना हो, क्योंकि ईरान में कह रहे हैं बहुत ठंड है। ठीक है जी, ये हो गया। साथ के मैंने एक स्कार्फ टाइप ली थी, मतलब कंधों पे भी आ जाए, सर पे भी आ जाए ऊनी, एक ये तो एक तो मैं ये रखूँगी साथ। ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बहुत अच्छी आउटफिटर से ली थी ये, वैसे बाद में भी मेरे बड़े काम आएगी सर्दियों में। ये देखिए जी, ये हो गई। और साथ में ये देखिए आपको अबाए के ऊपर अगर एक्स्ट्रा ठंड हो जाती है तो ये भी है, वैसे ज़्यादा ही ना हो जाए गर्म चीज़ें, चलो बहरहाल जो भी है। और ये मेरा एक और कोट पैंट चेक कर रही थी, ये मैंने नाम अच्छा ये बीच में हैंगर है, ये एक वाइट ड्रेस जो वहाँ पे जशन होना है उसके लिए उन्होंने मुझे कंपलसरी कहा था। ये निकालूंगी तो उसकी तय ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको भी ऐसे ही हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, इसको करते हैं बंद, मैं वो बंद कर करूँगी बेटा, हैंगर नीचे करो। चलो जी, अब यहाँ बैग में एक सूट, ये इस्त्री की ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही क्योंकि हम लोग ना आयरन करने का सामान साथ लेके जा रहे हैं। बस ये सारे हो गए मेरे कपड़े वगैरह, फाइनली बहुत हैं ये कपड़े, यानी एक दो पूरे सूट हैं, कुछ शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं और बस दैट्स ऑल। यहाँ पर ये मेरा कहाँ से आया है, ये लामा से आया है, लामा से जाते जाते एक भी पिए थी लामा से। व्हाट इज दिस, वाओ अब बोल लो। अच्छा गाइस, तो अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ, ये स्पेशली सना खान ने अरेंज किया है, साइमा ने अरेंज नहीं किया, जारा ने अरेंज नहीं किया, मेरे दोस्तों में सना खान। थैंक यू सना, ये देखें जी सना खान की तरफ से, ऐसे हाथ रखो ऐसे पकड़ो रहा है, ये देखें गाइस सना खान की तरफ से। और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बड़ी मज़े की चाय तो नहीं है पर ये है कि कोल्ड कॉफ़ी और ब्राउनी और पिज़्ज़ा जो भी था, बहुत जो वो नाम उनको भी नहीं पता, वो कहती जो भी है वही सब, जो भी सब लोग हैं जी पेंडू लोग, जो भी था बहुत मज़ा, बहुत ही मज़े का था। थैंक यू सना, हकीकत है किसी के नसीब का इंसान किसी के साथ बैठ के खा लेता है, उसके नसीब के उसे दूसरे को मिल जाता है। जैसे सना ने बुलाया है, नहीं सुख दे रही किसी को, आप भी सुख दे रही है। और ड्रेस है ये देखें, ये मेरा ना काफ़ी सारा नॉक लग जा रहा है प्यारे, ये है ये मैं हूँ। ये जी लैला जा रही है ज्यारत पे, तो ये उसको मैं बैग गिफ्ट कर रही हूँ, वहाँ तुम सामान डालना और इसमें मिलने क्या लाओगी तुम, भर के लाना, अच्छी चीज इसमें भर के लाऊंगी, भर के लाना। हाँ ठीक है ठीक, लाला वहाँ रख के रोटियाँ जरूर लाना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग गाइस। तो आज हमारा लास्ट डे है पाकिस्तान में, हम लोगों की कल रवानगी है इंशाल्लाह। और यहाँ पे जी मैं उठी हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे इन सारे सोफ़ों को कवर कर दूँ कपड़ों के साथ जाने से पहले, क्योंकि हमारा टूर माशाल्लाह अच्छा खासा लंबा टूर है। और बस अभी मैं किचन में जाऊँगी और घर के जो पीछे हमारे जो रह रहे हैं बाकी जो लोग हैं उनके लिए खाने पीने का सामान यहाँ पर अरेंज करके जाएँगे, ताकि पीछे उनको कोई मुश्किल ना हो। यहाँ ये दालें सब्ज़ियाँ गोश्त वगैरह उनके लिए सब कुछ उनको हैंड ओवर करके जाएंगे, किचन खोल के जाएंगे, ताकि उनको खाने पीने की कोई तंगी ना हो। तो गाइस चाय के बगैर ब्लॉग मेरा पूरा नहीं होता, चाय बहुत ज़रूरी है और मैं चाय जो है ना सामान में रख के भी जाऊंगी, दूध और एवरीथिंग। हाँ ये देखें गाइस, तो यहाँ पे भी अभी मैं बस ये चादरों से ये सारे कवर करा रही हूँ। वैसे तो यहाँ घर में काफ़ी लोग रह रहे हैं, अभी और भी फैमिलीज आ रही हैं, लेकिन ये है कि पीछे फिर बच्चे शच्चे होते हैं ना, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये सारे सोफे ना वैसे कवर कर जाएंगे ये सारे के सारे, यहाँ समेट समेट के हर चीज़ और बस। हाँ जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तो आगे व्लॉग्स लेट भी हो सकते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग में भी कोई कमी बेशी हो सकती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको पता है कि सफ़र होता है और बेसिक मकसद जो होता है वो ज़ियारत करना होता है, दुआएं मांगना होता है, बातें करना होता है, तो कुछ कमी बेशी हो सकती है, उस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मैं ड्रेस का बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग फिर बाद में कहते हैं कि ड्रेस का बता दिया करें। ये जी मेरे करिश्मा का ड्रेस है और ये मेरा काफ़ी साल पुराना ड्रेस है, लेकिन इसका स्टॉक बहुत अच्छा है, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी और अब तक बिल्कुल ये नया मतलब नया ही पड़ा है, क्योंकि मैंने एक दो दफ़े पहना है,
तो ये बड़ा ही प्यारा ड्रेस है और ये इसकी स्लीव्स देखें, पलच्छी की स्लीव्स बनी हुई हैं, दुपट्टा और ये करंडी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी और ये सारा बहुत ज़बरदस्त है। अब ब्रांड तो वो रह गए लेकिन स्टफ़ वो नहीं रह गया, तो उस टाइम तो ये देखें काफ़ी साल पहले पर इतना अच्छा इसका स्टफ़ है कि अब तक ख़राब ही नहीं हुआ। ये मैं पहन के जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ जी सना मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे रात को बहुत लेट नाइट मैसेज किया कि वो मुझे ऐसे नहीं जाने देंगी ज़्यारतों पर, पहले मैं उनको मिल के जाऊँ। गाइस जाने में एक रात रह गई है और ये मेरे बैग की हालत चेक करें, अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी बस हर चीज़ मैं इसके अंदर फेंकी जा रही हूँ, अभी रात को इसको फाइनली सेट करूँगी हट के, अभी क्या करूँ मसरूफियत ही इतनी है। बस यहाँ पे साथ साथ मेरे कोट भी ड्राई क्लीन होकर आ गया जिसको मैं आके सेट करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, पहले मैं सना को मिलने जाऊँगी, उसके बाद मैं अम्मी के अब्बू को मिलने जाऊँगी और मैंने ख़ुद उनको कहा कि वो ना आए ताकि मैं उनसे मिल सकूँ, उनकी दुआएं लेके जाऊँ। और यहाँ पे जी ये मुझे मिलने आई हैं साइमा जी, उनको मैंने कहा मेरे साथ कहीं चलें, तो वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेके फेरी थी क्योंकि वो भी नहीं आ सकी थी मेरे घर। तो ये बहुत ही खूबसूरत पर्स उन्होंने मुझे दिया कि मैं यही साथ कैरी करूं, और ये बहुत लाइट वेट है, उन्होंने इसी चीज़ को देख के लिया कि जो वहाँ पे कैरी करना मुझे यूज़। और सना जी ने जी यहाँ पर LDS पे हमें बुलाया हुआ है, LDS ही है ना जी, इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त कैफ़े बना है, तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और सनास की वजह से आई हूँ क्योंकि ना मैं पहले आ नहीं सकी, बिज़ी थी। अभी मैं फिर आऊँगी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आऊँगी, लेकिन अभी मैं सना के बुलाने पे यहाँ आई हूँ। पता नहीं अब उन्होंने वो यहाँ पे कैसा अरेंज किया हुआ है, आगे चल के देखते हैं और वो हमें क्या सरप्राइज़ दे रही हैं ये भी देखते हैं, क्योंकि सरप्राइज़ उनका था एक मिनट चाय पीने बस आ जाओ। तो अब चलें अंदर चल के देखते हैं। तो जनाब ये हमारे झंग में बड़ी ज़बरदस्त जगह है, 12-12 पे ऊपर खाना खाया जा सकता है। ये एलशियस कैफ़े के नाम से, एलशियस सी समथिंग शायद ऐसे ही कुछ नाम है मुश्किल सा, के नाम से कैफ़े बना है और बड़ी तारीफ़ मैंने इसकी सुनी अभी फ़िलहाल क्योंकि नया है यहाँ पे, बहुत रश है मैंने सुना है। और इसी में देखें, इसी पूरी बिल्डिंग के अंदर यहाँ एस्फायर की शॉप भी है, उनजे की शॉप भी है और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। पहले मतलब बड़ा ज़बरदस्त लोकेशन है, पहले आप खाना खाएं या खाना खाते हुए या आते हुए आप खाना खाएँ, आते जाते आप शॉपिंग करें और मज़े करें। ये जी उनजे वालों के ड्रेसेज हैं और उन्होंने इस पर डिस्काउंट लगाया हुआ, ये गर्मियों के ड्रेसेज हैं, मुझे वाइट चाहिए था लेकिन ये मैं गर्मियों वाला नहीं ले सकती, तो ये गर्मियों के ड्रेसेज हैं और प्यारे ड्रेसेज हैं और ये हैं भी उनजे के ड्रेसेज। तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं क्योंकि वो आपको पता है लेडीज़ की आदत होती है कहीं कपड़े जूते पर्स नज़र आ जाए तो रुकना हम पे फ़र्ज है, ले ना लें ये अलग मैटर है। ये देखें ये वाला वाइट कितना प्यारा है और ये जी इनके जी उनसे के ही हैं और ये हैं जी उसके वेलवेट के, और रेट्स भी अच्छे खासे हैं, 10-10 हज़ार की एक शर्ट है, कोई इतने मतलब सस्ते नहीं आप इनको कह सकते। चलें ये देखने के बाद जी ऊपर चलते हैं और जाके सना जी से मिलते हैं, ये स्काफ़ ये हर चीज़। लेकिन हमारी क्योंकि शॉपिंग जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है इसलिए अभी यहाँ से मैं कुछ नहीं ले रही, तो चलें जी चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे ये देखें जी बड़ा ही खूबसूरत ये कैफ़े है, बहुत अच्छा कैफ़े बना और इसकी फ़ूड की बहुत तारीफ़ की जा रही है, इसकी कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही मज़े की, मैं फ़र्स्ट टाइम पीऊँगी और मैं आपको फिर बताऊँगी कि कैसी है, और बाकी सना जो ऑर्डर करेगी वो मैं खाऊँ पीऊँगी सही। तो चलें जी चल के देखते हैं सना जी कहाँ हैं। जो सना ने बुलाया नहीं सुख दे रही, तो आप भी सुख दे रहे हैं, एक चेयर और लगा जाइए, चेयर दे कर आ जाओ। बस गाइस आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, अगर कोई व्लॉग की एडिटिंग में कमी पेशी हो, बोलने में कमी पेशी हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे लिए व्लॉग लगाना बहुत मुश्किल हुआ खड़ा, आजकल टाइम भी नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं मैंने कहा भाई चार पैसे ला के लाला नु मेले लांदे हैं भाई, तो यहाँ जी मैं हंस रही थी स्टार्टिंग में कि मैं वो खुश नसीब हूँ जिसे सना जी ने जी इनवाइट किया है और खाने पे, और खाने पे तो नहीं हाइट ही करवाई उन्होंने, हाइट ही स्टाइल ही सारा कुछ, ये लज़ानिया कोल्ड सैंडविचेस एंड एवरीथिंग। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ का टेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये क्रेडिट सना को ही जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में भी हंस रही थी कि मैं वो खुश नसीब हूँ जिसे सना जी ने खाने के लिए बुलाया, और मुझे जाने से पहले बहुत अच्छा लगा कि जाने से पहले भी लास्ट टाइम मैं अपनी फ्रेंड्स को अपने पेरेंट्स को मिल के जा रही हूँ, इसलिए जाने से पहले लास्ट टाइम मेरा बहुत अच्छा गुजरा और इंशाल्लाह आगे का सफ़र भी मेरा अच्छा ही गुजरेगा। हाँ जी गाइस ये मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करना है, सना ने जी मुझे बुलाया स्पेशली ज्यादा से पहले कि मैं उसके साथ चाय पीऊँ, और ये चाय के साथ इतना कुछ समझे हाइट ही होगी हमारी, ये भी हाइट ही होगी। नहीं जी मैंने दिल से किया कि जो मेरी फ्रेंड्स ने खाना है वो खाएं, और अपनी तरफ से जो मुझे समझ आई वो मैंने ऑर्डर किया है, और ये इनकी सर्विंग देखे जरा नजानिया की,
चलो बहन है तो शुरू करो तुसी जरा मिस हर बार एक ना फ्रेंड जरूर मिस कर दी है कभी तो जो नहीं होता उसको मिस करते हैं ना मिस यू देखो यार इतना कुछ तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने पैटीज तुम्हारी याद में मंगवाई कि उसको रखे नसीब जाग उठे देखे जी मेरी वजह से साइमंस कॉर्नर का नसीब भी जाग है और सनास किचन के खर्चे भी हम लोग ये वाकई जी एक हकीकत है किसी के नसीब का इंसान किसी के साथ बैठ के खा लेता है उसके नसीब की उसे दूसरे को मिल जाता है नहीं नहीं यार ये बात नहीं है मेरे पास टाइम नहीं है कौन सा ये वेनिला सॉफ्ट ड्रिंक किसी और ने सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है ये कौन सी जगह जरा नाम तो बताओ ये जो बोल रही है यहाँ पे है नहीं वैसे ये देखें जी सना ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और ये सना ने अकेले जाना है ना ज़ारात पे तो चलो हार तो नहीं मैंने कहा चलो गिदरा है लैला जी आप खुशकिस्मत आपको देख लें मैं कितनी खुशकिस्मत कहते हैं आप जैसे खुशकिस्मत दुनिया में तो पैदा ही नहीं हुआ माइकल आपसे ज्यादा अब हम जी लला जी को ही पहनाएंगे मेरे से ज्यादा क्या कौन से हाथ में पहने हैं लला जी हाथ खोल के मुट्ठी बंद नहीं करे उधर देखी तू पीछे आ जा मैं बिस्मिल्लाह ये जी फूलों की तरह महकती रहे आपका सफर और आपकी जो वहाँ की जर्नी है वो इन फूलों की तरह रहे जी इस दुआ के साथ अच्छे सफर पे जा रही है सफर कबूल करे सबके लिए की गई दुआएं और आज के आपने पहने रखना है सुबह उतार बहुत ही खूबसूरत शाम मेरी दोस्तों के साथ और इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की तरफ जाऊंगी वहां रात का खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं घर जाऊंगी ये जी बहुत ही खूबसूरत फूल बड़ी ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट और बहुत ज़बरदस्त और मुझे बड़ा अच्छा फील करवाया सना खान ने और साइमा ने और थैंक यू साइमा जो कि मेरे साथ आ गई और थैंक यू स्पेशली थैंक यू सना खान जिन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती और उन्होंने यहाँ की जो उनके ख्याल में अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो उन्होंने ऑर्डर की क्योंकि मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं था क्या ऑर्डर करना है और क्या नहीं करना तो जनाब यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया और पीछे मेरी कॉल आ रही थी मेरी बेटी की तो सना ने जी यहाँ मेरी बेटी के लिए भी साज सिंगर वगैरह पैकिंग भी करवा के दी सना खान ने जी वो मुझे साइमा कह रही थी क्या वो खुश नसीब है जी बिल्कुल मैं वो खुश नसीब हूँ जिन्हें सना खान ने बुलाया है तो बस जी अब यहाँ से लेते हैं इनसे इजाज़त ये देखें सना खान की तरफ से ऐसे हाथ रखो ऐसे पकड़ो रहा है ये देखें गाइस सना खान की तरफ से और बहुत मज़ा आया बहुत इंजॉय किया बड़ी मज़े की चाय तो नहीं है पर ये है कि कोल्ड कॉफ़ी और ब्राउनी और जो आपको जो हमारी आपको वहाँ पे याद भी दिलाएगा आपने ये वहाँ पे यूज करना है थैंक यू सना इस बैग को आप खोलें इसकी जो बाहर वाली पॉकेट है उसमें बच्चों के लिए कुछ है वो आपका नहीं है वो बच्चों का है ये बैग सिर्फ आप देखिए बच्चों के लिए मैं आई हूँ तो मेरा हक होगा हाँ जी चलो और मेरे कैमरा पैसा लगा ये मैंने बड़ा सिलेक्ट करके लिया है अच्छा जी देखिए जी साइमा को मैंने कहा था और साइमा ने भी मुझे वही गिफ्ट किया है लेकिन कमल मैनू आप छोड़ना नहीं मुझे हैंड बैग पसंद है फिर रही थी ना मुझे बेसिक हैंड बैग पसंद है खुद भी तो मुझे जो चीज़ पसंद हो मैं वही लेके भी आती हूँ देती भी वही अच्छा मैं यही दिखा दूँ क्योंकि इसका अलग से ब्लॉग नहीं बना सकूँगी ये देखो ये जनाब उसकी पॉकेट आप खोले सनाज किचन की तरफ चलो की हो बाहर वाली पॉकेट लैला जी मैं समझी अंदर कुछ भरा हुआ है थोड़ी यार पैसे ये बच्चों के हैं बस तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है इसलिए चूच रहा है वो लैला के झुमके बड़े प्यारे हैं आज ओहो ये ले नहीं सकते नहीं नहीं आप नहीं ले सकते बिल्कुल नहीं ले सकते थैंक यू सना थैंक यू सो मच पसंद आया बैग हाँ जी बहुत पसंद आया नहीं यार टाइम निकाला तुम लोग ने यही बात नहीं नहीं और नहीं ये लोग भी देखो ठीक है बहुत शुक्रिया प्लेट किसने साफ किया और सना का थैंक यू भाई सना ने इतना अरेंज किया सारा कुछ किया बाकी उनका शुक्रिया जो आई हैं जो मेरे लिए आ गई हैं बात के
बस यहाँ से इजाज़त लेके अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरी अम्मी का घर भी यहीं थोड़ा दूर है, और बस अब हम अम्मी की तरफ जाएंगे और वहाँ हमारा रात का डिनर होगा और उनके साथ बैठूंगी, गपशप लगाऊंगी, क्योंकि पहली दफ़ा इतने दिनों के लिए और पहली दफ़ा ही मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं उनके पास कुछ देर बैठूँ, अपने अब्बू के पास, अपनी अम्मी के पास, अपने बहन भाइयों के पास। ये देखें गाइस, तो यहाँ पर ये मेरा कहाँ से आया है, ये लामा से आया है, लामा से जाते जाते एक गिफ्ट ये भी लामा से। What is this? Wow! ये जबरदस्त, ये देखें गाइस, एक बटन भी साथ है, चेक करें। खड़ी हो देखो, डॉल भी है साथ, बुला लो एक और डॉल। आगे शर्ट ना, आगे मैंने भी इस दफा नंबर तुम पे खुला मुझे थी, लेकिन उसकी ना मुझे क्योंकि पता नहीं था ना उसका साइज, छोटा वो मुझे स्लीव से तंग करता, वैसे भी तंग करता, लोगों को नहीं पता लगता, मुझे लगता। अब ये देखो ना ये तंग है। तो जनाब कुछ चीज़ें जो मैंने बाय कर रही थी जाने स्कून में, ये एक चार्जर भी था और ये मैंने सिर्फ भाई जान के ज़िम्मे लगाया था, उन्होंने ये मेरे लिए ख़रीदा है और ये आया पड़ा है। अभी वो बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये जदीद है, ये देखें जी, ये सफल में, ये आईफोन, ये टाइप सी, ये पिछला पुराना, ये लैपटॉप से भी चार्ज होता है। हाँ जी, ये आईफोन अच्छा, पावर बैंक है जी, 81% पे है। ये गाइस मेरे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया है, ये देखिए चौरस पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा लाउंज वाला का ना, चौरस पिज़्ज़ा। बस जी यहाँ पे हमारा खाना आ गया है और ठंड भी बहुत है, सूप है इसमें और बहुत सारी चीज़ें, बारबेक्यू है और साथ में एक और मज़े की चीज़ है। बस इसी तरह खाना हमारा आ गया है, वो हम अब जल्द जल्दी खाएँगे और उनसे लेंगे इजाज़त। और यहाँ साथ है जी मेरी भाभी के कपड़े स्टिच हो गए हैं, वो भी हमारे साथ ज़ियारात पे जा रही हैं, वो हमारे साथ जा रही हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने बड़े सिंपल सूट लेके बड़े सिंपल से स्टिच कराए हैं और उनको दर्जन ने एक रात में स्टिच कर दिए, उनका लक चेक करें ज़रा। बस जी तो मैं आपको कपड़े दिखा लूँ, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैं आपको अपनी रवानगी दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पे जी ये उनके कपड़े स्टिच हो गए आगे, यहाँ पे उनका एक सूट है, ये ब्लू वाला ड्रेस जो है ना, ये उनका एक डिज़ाइनर ड्रेस था, पता नहीं किस डिज़ाइनर का है, लेकिन ये जी दर्जी ने सिर्फ 4500 के 5000 इसकी सिलाई ली है, चेक करें ज़रा। और इसके सारे पैचेस भी उन्होंने खुद लगवा के दिए, लेसेस भी खुद दिए हैं, कोई इसके चिपकाने वाला पैच नहीं था, लेकिन इतने दर्जियों के रेट पर सिंपल सा सूट था तो 5000 उसकी सिलाई उसने ली है। और साथ में जी बाकी कपड़े भी उनके स्टिच हो गए। बस जी अम्मी की तरफ गई थी तो भाभी के कपड़े स्टिच होके आए थे, वो भी इसी व्लॉग में मैंने ऐड कर दिए, बहुत ज़्यादा मेरे से एडिटिंग हो नहीं रही। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, ड्रेसेज आप एंड तक देख लें। खाड़ी से उन्होंने बड़े सिंपल ड्रेसेज दिए और बड़े अच्छे मिले उन्हें, और स्टिच भी बहुत अच्छे हुए उनके सिंपल से, जो उन्होंने ज़ियारात पे साथ लेके जाने। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये टू पीस खाड़ी, ये भी ठीक है, सिंपल स्टिच करवाया है ना, ये भी जबरदस्त। मैं तो यही जो पहले घर में पहनती हूँ वही लेके जा रही हूँ, मैंने तो कोई नहीं स्टिच करवाए, लेकिन ये भी प्यारा है, इसका प्रिंट भी प्यारा है, ये बस यही है। कितने सूट लेके जा रही हूँ मैं? छह। ये क्या है? ये वो एक दुपट्टा पड़ा है, क्या पड़ा बीच में, वो एक नहीं पड़ा। अच्छा, ये भी स्टिच हो के आ गया, ये भी खाड़ी से टू पीस, ये भी प्यारा है। और सबसे अच्छी बात है सिंपल स्टिच करवाए हैं वहाँ के हिसाब से, ये भी प्यारा प्रिंट है, प्रिंट प्यारे हैं, बाद में तुम्हें स्कूल देंगे, सिंपल सिंपल सही है।